हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आप सभी लोगों का बार बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स पे। बायोलॉजी के नोट्स पे मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक अपने टॉपिकों का एक राजा होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आज की जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इसके इम्पॉर्टेंस की बात ही कुछ अलग है। ऐसा कोई वनडे एग्जाम्स नहीं, ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं जहां पर साइंस का पोजीशन आता हो, साइंस का पोर्शन आता हो और उसमें आज की जो टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक ना आता हो। यानी हम कह सकते हैं कि आज के टॉपिक के बिना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। नाम तो सुना ही होगा। तो ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें विटामिन्स के बिना कोई पेपर बन जाए। यानी जहां साइंस है वहां पर विटामिन्स का आना बिल्कुल भी तय है। तो वन डे एग्जाम्स के लिए चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे टेट सीटेट या किसी भी प्रकार के वन डे एग्जाम्स के अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें विटामिन से संबंधित प्रश्न आने तो 100% सॉलिड हैं, आने तय हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ब्रॉड नहीं है और उससे आसानी से आप इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अभी जैसा आप लोग जान रहे हैं कि साल बदलने वाला है और नया साल आने वाला है, साल बदलने वाला है और नया साल आने वाला है। और ये नया साल जो है वो सभी लोगों के लिए एक खुशियों का साल है, एक उम्मीद का साल है। ये नया साल उन सभी एस्पिरेंट के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक नई उम्मीद है जिन्होंने अपनी असफलता को इस वर्ष काफी करीब से देखा है, उन सब के लिए एक नया साल उम्मीदों का साल होने वाला है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। इसका नाम है विटामिन्स। तो विटामिन्स के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन्स का खोज किसने किया था, कितने कैटेगरी में विटामिन्स को बांटा गया है और कौन कौन से विटामिन्स हैं, ये किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं और उनकी सब कमी से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी उनकी कमी से होने वाला जो रोग है उन सब का जिक्र आज के इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही साथ अपने मित्र दोस्त यार जो है उन्हें भी बताइए, क्योंकि वन डे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो एक रामबाण होने वाला है। यानी इस वीडियो में आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक है जिनका एग्जाम में आना 100 ही नहीं बल्कि 200% फिक्स है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें सबसे सरल शब्दों में कि विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जी हाँ, विटामिन्स जो हैं ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा कंपाउंड जिसकी जो संरचना है, जिसकी जो बनावट है वो काफी जटिल तरीके का हो, कई प्रकार के अणुओं से मिल करके इसका निर्माण हो, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो जटिल यौगिक कहलाते हैं। तो विटामिन्स भी एक तरीके से जटिल और कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो कार्बन एटम्स होगा वो निश्चित रूप से हाइड्रोकार्बन्स के साथ प्रेजेंट होगा। तो जटिल कार्बनिक यौगिक है विटामिन्स, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण तथा निगमन करता है। जी हाँ, हमने कहा कि विटामिन्स जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण तथा निगमन करता है। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में भोजन में नमक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नमक का प्रयोग हम लोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं।
नमक का प्रयोग हम लोग स्वादानुसार या हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े तो हम कह सकते हैं कि अपने भोजन में हम लोग नमक का जो प्रयोग है वो अपने स्वाद के अनुसार करते हैं। स्वाद के अनुसार यानी कि एक ज्यादा भोजन में कुछ ही मात्रा में नमक की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हमारे भोजन में ये नमक न रहे तो हमारा जो भोजन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ऐसे या हमारे फूड पार्टिकल्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी मात्रा तो काफ़ी कम होती है, बट इम्पॉर्टेंस की बात करें तो वो एक बड़ा स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा सा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो विटामिन्स जो है वो हमारे भोजन के नमक की तरह है कि अगर वो न रहें तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, और विटामिन्स की हम लोगों को शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यानी विटामिन्स जटिल काल्पनिक यौगिक होते हैं और इनकी अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर के समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण तथा निगमन करता है। यहाँ पर एक नया शब्द आपको देखने को मिला जिसे हमने बोला उपापचयी क्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया शब्द कहाँ से आया। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में हम लोग मेटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उपापचयी क्रियाओं के बारे में यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर का मतलब केवल मेरा खुद का शरीर नहीं, आपका भी शरीर, हर एक व्यक्ति का शरीर, हर एक प्राणी का जो शरीर है उसके शरीर में अनेक प्रक्रियाएं, अनेक रिएक्शंस प्रतिपल सदैव हर एक समय होती रहती हैं, या दूसरे भाषा में हम कहें तो हमारे बॉडी में या जीवों के शरीर में प्रतिपल अनेक टूटने एवं बनने की प्रक्रिया होती रहती है, और इन्हीं क्रियाओं को हम लोग उपापचयी क्रिया बोलते हैं। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग ने भोजन ग्रहण किया तो फूड पार्टिकल्स हम लोगों के बॉडी में डाइजेस्ट होकर के अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट गए, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो था वो ग्लूकोज में टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट से, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्टार्च आपने अपने भोजन में ग्रहण किया, ये स्टार्च ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज का निर्माण किया, तो स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण हुआ यानी कोई नया सब्सटेंस बना हमारे बॉडी में। क्या हुआ, नया सब्सटेंस बन गया, स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ तो ग्लूकोज बना, तो कोई ना कोई सब्सटेंस जो है ये ब्रेक हो रहा है और कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, और ये प्रक्रियाएं प्रतिपल सदैव हर एक समय होती रहती हैं। हम बैठे हैं, सोए हैं, जागे हैं, हर समय हमारे बॉडी के अंदर ये तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं वो होती रहती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग उपापचयी क्रिया बोलते हैं। उपापचयी क्रिया में केवल स्टार्च से ग्लूकोज का ही निर्माण नहीं होता, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर बन रहा है, तो ये तमाम प्रकार की हजारों प्रोसेस, हजारों प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सदैव अपने अपने स्पॉट पे, अपने अपने जगह पर एक ही समय में होती रहती हैं। उन्हीं प्रक्रियाओं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक या कार्बनिक जटिल पदार्थ होते हैं जिनकी अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी सी ही मात्रा हमारे शरीर की जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी उपापचयी क्रियाएं हैं, उन उपापचयी क्रियाओं में ये पार्टिसिपेट करते हैं यानी उनका नियंत्रण और निगमन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको विटामिन समझ में आ गया होगा कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स जटिल काल्पनिक यौगिक होते हैं जिनकी अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी ही मात्रा हमारे शरीर के सभी प्रकार के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं निगमन करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि विटामिन्स के खोज का, हर एक चीज का खोज किसी न किसी वैज्ञानिक ने किया होता है, तो उसी तरीके से विटामिन्स का भी खोज किसी ने किया हुआ है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और कई प्रकार
कई बार बच्चे जो है इस टॉपिक में थोड़ा सा संदेहास्पद हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि विटामिन्स का खोज वास्तव में किसने किया था। कह रहे हैं कि विटामिन्स का खोज किसने किया, तो विटामिन्स का खोज जो था वो एक वैज्ञानिक ने किया जिनका नाम था एन आई लूनीन। इन्होंने 1880 में इन्होंने विटामिन्स का खोज जो था वो एन आई लूनीन ने 1880 ईस्वी में किया था। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि विटामिन्स का खोज किसने किया था। विटामिन्स का खोज एन आई लूनीन ने 1880 ईस्वी में ही कर दिया था। कुछ बच्चे जो होते हैं वो फंक के पीछे जाते हैं कि विटामिन्स का खोज फंक ने दिया हुआ था, तो विटामिन्स का खोज फंक ने नहीं किया। फंक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने विटामिन्स का नाम दिया था। क्या किया था? विटामिन्स का नाम जो था वो फंक ने 1912 ईस्वी में फंक ने विटामिन्स का नाम दिया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन्स का खोज जो था वो एन आई लूनीन नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में ही किया था, जबकि फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन्स का नाम दिया। जिस तरीके से किसी भी माँ बाप के जब बच्चे होते हैं तो बच्चे हो जाते हैं लेकिन उस समय उनका कोई भी नाम नहीं रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर के फैमिली मेंबर्स या किसी भी ज्योतिष से पूछ करके उसका नामकरण किया जाता है कि आज से इस बच्चे का नाम ये रखेगा। बुआ गएंगे तो बोलेंगे कि आज से मेरे बच्चे का नाम चुन्नू रहेगा, कोई कहेगा इसका नाम मुन्नू रहेगा, कोई कहेगा छोटू रहेगा। लोग अपने अपने पसंद से अपने अपने थिंकिंग के अनुसार अपने अपने इच्छा स्वरूप उनका नामकरण करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से विटामिन्स का खोज जो था वो एन आई लूनीन ने 1880 ईस्वी में किया था, जबकि फंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1912 में 1912 ईस्वी में उसी सबस्टेंस जो कि विटामिन्स था उसका नाम दिया कि ये आज से विटामिन्स के नाम से जाना जाएगा, इसका नाम जो है वो विटामिन्स कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको विटामिन्स की परिभाषा और विटामिन्स की खोज के बारे में कोई भी दाव नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विटामिन्स जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनके कमी से हमारे शरीर में अपूर्णतया रोग हो जाता है। जी हाँ, विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। विटामिन्स की कमी से किसी एक प्रॉपर विटामिन्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी भी विटामिन्स की कमी होगी तो उस रोग को हम लोग अपूर्णतया का नाम देते हैं। अपूर्णतया यानी इसे इंग्लिश में डेफिशिएंसी बोला जाता है। अगर आपके शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन्स की कमी हो गई, चाहे वो विटामिन ए बी सी डी कोई भी विटामिन हो, उस विटामिन्स की कमी है तो वो व्यक्ति अपूर्णतया रोग से ग्रसित कहलाएगा, यानी उसके शरीर में किसी न किसी चीज की कमी है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है, तो वो अपूर्णतया यानी डेफिशिएंसी डिजीज कहलाता है। तो विटामिन्स की कमी से अपूर्णतया रोग हो जाता है। अब किसी प्रॉपर विटामिन्स का नाम देगा तो उसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो आप आंसर में लिखेंगे जो भी हम आपको कुछ ही समय में बतलाने वाले हैं। तो हमने जाना कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण तथा निगमन करती है। विटामिन्स का खोज एन आई लूनीन नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया था तथा फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में इसको विटामिन्स का नाम दिया। हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी से अपूर्णतया यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो की हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो विटामिन्स हैं उनको कितने भागों में कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो विटामिन्स को उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। विटामिन्स जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, उनके घुलनशीलता यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है उस आधार पे। तो पहला जो भाग है या पहले प्रकार के जो विटामिन्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स, जल में घुलन
सील, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में अगर हम लोग उन्हें घोले तो वो आसानी से घुल जाए। आप नमक पानी में घोले होंगे, चीनी पानी में घोले होंगे, देखते हैं कि जैसे ही आपको नमक को पानी में डालेंगे, चीनी को पानी में डालेंगे, वो घुलना प्रारंभ कर देता है। नहीं घुलता, वो चम्मच से घुला देते हैं, गर्म करके घुलाते हैं, यानी वो वाटर में पूरी तरीके से कुछ समय बाद घुल जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, इनमें प्रायः विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। दो ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन का नाम याद रखिएगा बी एंड सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आया है, तो आप दे सकते हैं कि विटामिन बी और सी। इससे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, किसी एक का नाम देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, या दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं कि बी एंड सी। तो आप इसको हमेशा माइंड में रखिए कि जल में घुलनशील विटामिन बी सी, यानी कि बी और विटामिन सी। और दूसरा जो प्रकार है जिसे हम लोग बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, आप लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जल में तो नहीं घुलती हैं, परंतु अन्य विलायक जैसे कार्बनिक विलायक के रूप में ईथर है, इपॉक्साइड है, तो ऐसे या फैट्स में घुल जाते हैं। तो ऐसे विटामिन्स भी होते हैं जो कि फैट में क्या है, घुलनशील है। अगर आप तेल को पानी में मिला दें तो क्या होगा, तेल जो होगा उसका घनत्व तो कम है, जिसके कारण वो ऊपर सतह पर तैरने लगेगा, यानी ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, यानी वाटर सॉल्युबल नहीं है। लेकिन इसी ऑयल को अगर आप किसी दूसरे ऑयल में, रिफाइन में मिलाना चाहें, वो आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि वो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। अगर विटामिन की बात करें, कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, तो उनका नाम है ए डी ई एंड के। चार विटामिन नाम याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इस तरीके से आप छह विटामिन का नाम जरूर से याद रखिएगा, विटामिन ए बी सी डी ई के। और उसमें से अगर अलग अलग तरीके से हम लोग विभाजित करें कि कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए आप कोड याद कर लीजिए ए डी ई के, ए डी ई के। इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उन्हें हम लोग बायोलॉजी में या साइंस में किस नाम से जानते हैं, और उनकी कमी से हमारे शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर किस तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं, और उन सब का बात आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट मैंने बना दिया हुआ है। ये चार्ट मैंने पहले इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि कैमरे के पीछे भी हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कार्य करने पड़ते हैं। आपके सामने इतने हम लिखेंगे तो आपका जो समय होगा वो नष्ट होगा, इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर सभी प्रकार के विटामिन का नाम लिख दिया हुआ है। शुरू करते हैं तरफ से, ये जो पहला कॉलम है इसमें आपका विटामिन का नाम लिखा हुआ है, विटामिन ए, B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। उसी तरीके से इनका केमिकल नेम यानी कि इनका रासायनिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये डिजीज है यानी इनकी कमी से होने वाला रोग। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि विटामिन की कमी से अपूर्णतया रोग हो जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर तमाम प्रकार के रोग हैं जो कि प्रॉपर किसी विटामिन की कमी से हो रहे हैं। और कुछ जगहों पर मैंने ब्रैकेट में या कोष्टक में कुछ चीज़ों के, अनाज के या फलों के नाम लिखे हुए हैं। ये वो प्रमुख भोजन हैं जिनकी कमी से आप इन विटामिन के द्वारा होने वाले रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विटामिन ए जो है इसे हम, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से लताओं भी रोग होता है। विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन बोलते हैं, और इसकी कमी से बेरीबेरी डिजीज होता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से डर्मेटोसिस यानी कि स्किन की जो बीमारी होती है वो होती है। विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल, इसकी कमी से पैलाग्रा डिजीज होता है और शरीर के तमाम दाने पड़ जाते हैं।
B6 पायरोडाक्सिन एनीमिया, B12 साइनोकोबालामिन जिनकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है, विटामिन सी है जिसे हम लोग स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग जो है वो होता है, डी जो है वो कैल्सिफेराल है जिसकी कमी से रिकेट्स होता है, और ई जो है उसे हम लोग टोकोफेराल बोलते हैं और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और साथ ही साथ लास्ट विटामिन जो है विटामिन के जिसका नाम है नैप्थिक्विनोन और इसकी कमी से रुधिर का थक्का जो है वो नहीं जम पाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। बस इतने ही चार्ट को आपको पढ़ना है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है, और आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।